ब्रेन तुम पागल हो गए हो, हमें इस कॉफिन से बाहर निकालो अभी। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। दोस्तों घबराओ मत, इन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए काफी इंतजाम किए हैं, हमें कुछ नहीं होगा। अपनी समझदारी अपने पास ही रखो, 7 दिनों तक दफन रहने वाला इंसान जिंदा कैसे रह सकता है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। दोस्तों शांत हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, हमारे कॉफिन में एसी लगा हुआ है जो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर रहा है। और तो और हमारे दोस्त और हमारा डॉक्टर भी बाहर ही है जो हर पल हमारी हालत को मॉनिटर कर रहा है। चलो शुक्र है, लेकिन हम ये सब क्यों कर रहे हैं ब्रेन? तुम हम सबकी जान को दांव पर क्यों लगा रहे हो? हाँ अट, तुमने मिस्टर बीस्ट के बारे में नहीं सुना है? वो यूट्यूब पर बहुत ही शानदार वीडियोस बनाता है और अपने पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारा पैसा इनाम में देता है। अरे हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए। एर, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है लिवर, सच मानो तो उसके पीछे कुछ और वजह है। मिस्टर बीस्ट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और हम सबको ये चैलेंज पूरा करना ही होगा। अरे हाँ, मुझे मिस्टर बीस्ट याद आ गया, उसने काउंटिंग टू 100,000 चैलेंज पूरा किया था। हाँ है तो थोड़ा अजीब ही, अब हम सबकी जिंदगी उसके हाथों में है ना ब्रेन? एग्जैक्टली। वाओ, अच्छा लगा कि तुम सब भी, एक मिनट, तुम सब मुझे ताना मार रहे हो। तुम्हें समझ में आ गया? देखो टेंशन मत लो। ए यूट्यूबर ऑगन्स, वहाँ का हाल कैसा है? हेलो डॉक्टर, सच कहूँ तो अभी तक तो सब ठीक ही है, मेडिकल टीम हम पर नजर बनाए हुए है। मतलब अब तुम्हें अपने पुराने डॉक्टर की जरूरत नहीं है? हाँ ठीक है, कुछ और घंटे रुको, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तुम लोग डॉक्टर की बातों पर ध्यान मत दो, सब कुछ ठीक ही रहेगा, वादा करता हूँ, ये काफी आसान चैलेंज है। हेलो ब्रेन, हमने पिछले 32 घंटों से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है, खिलाओ ना। हाँ पता है स्टमक, हमारे पास 19 लीटर पानी है और काफी सारी MREs भी। MREs? अब ये क्या है? MRE मतलब मील रेडी टू ईट। इन स्पेशल बैग्स का इस्तेमाल मिलिट्री के सैनिकों द्वारा किया जाता है, हमें बस थोड़ा सा पानी ऐड करना होता है और बस हमारा खाना तैयार। ओ वाओ, क्या हम इसका एक पैकेट खा सकते हैं? हाँ ये लो स्टमक। हमारे पास खाने को बस यही खाना है क्या? टेंशन मत लो, जिमी ने हमें बहुत सारी टेस्टी चॉकलेट्स भी दी हैं। ओह यम्मी, ये तो हमारी नॉर्मल चॉकलेट से भी टेस्टी है। अरे दोस्तों, क्या तुम सच में हमारी वीडियोस में भी प्रोडक्ट प्लेसमेंट मार्केटिंग कर रहे हो? प्रोडक्ट प्लेसमेंट मार्केटिंग, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या होता है। लेवा तुम ये अनाप शनाप बातें बंद करो ना, मुझे चॉकलेट को एंजॉय करने दो यार। मैं बहुत मुश्किल से सो पाया, मेरी पीठ में दर्द हो रहा, ये इतना भी आसान नहीं है, पर हम 4th दिन तक पहुंच गए दोस्तों। हाँ ब्रेन, जरा तुम अपनी हालत तो देखो, एडिटर से कहना कि ये फुटेज एडिट कर दे और दिखाए कि हम यहाँ 7 दिन से थे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, अब तक तुम समझे नहीं क्या? वो कभी भी अपनी वीडियोस में ऐसी कोई नकली चीज नहीं करता। लेवा थोड़ी हिम्मत रखना सीखो। क्या और हिम्मत? तुम्हारे हर अजीबोगरीब टास्क का हिस्सा बनने की हिम्मत दिखाई है हमने। ब्रेन मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम जिमी को गेम चेंज करने को कह दो, 4 दिन या फिर 90 घंटे, हम जीत जाएंगे है ना? ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारी समझ में नहीं आता? फिलहाल मैं ही मिस्टर बीस्ट हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। ब्रेन मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, मेरा दिल घबरा रहा है। वाह ब्रेन, लगता है अब इस चैलेंज का सच में तुम्हारे ऊपर असर होने लगा है, तो फिर चैलेंज खत्म कर दें? आप फिर आ गए, इसे ऑफ कैसे करना है? डॉक्टर ये ब्रेन को क्या हो रहा है, इसका दिमाग खराब हो रहा है। फिलहाल ब्रेन पर कई चीजों का असर पड़ रहा है और अभी ब्रेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ डॉक्टर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिमी ने इसी डॉक्टर को क्यों बुलाया है। डॉक्टर आप जाइए। हमारा ब्रेन अपनी मेंटल शार्पनेस बनाए रखने के लिए सेंसरी डेटा के रेगुलर फ्लो पर डिपेंड करता है। इतनी तंग और शांत जगह पर लगातार रहने के कारण ब्रेन सेंसरी डेप्रिवेशन नाम की कंडीशन का सामना कर रहा है। उत्तेजनाओं की कमी के कारण ब्रेन की परसेप्शन, कॉग्निटिव फंक्शन और उसके इमोशन में बदलाव आ गया है, इसी कारण ब्रेन इतना थका हुआ है और काफी तनाव में भी है। ओह वाह, लगता है कि आखिर में मैं पागल होने ही वाला हूँ। दोस्तों मेरी भी एक समस्या है, लगता है 2 दिन पहले खाई चॉकलेट्स और MREs अब हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। नहीं नहीं, बस यही होना बाकी था क्या? वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है ब्रेन, इस बात की संभावना है कि तुम्हारी बॉडी के खड़े होते ही ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे और तुम गिर जाओगे, जो खतरनाक हो सकता है। रुको, क्या मिस्टर बीस्ट ने इस सब के बारे में पहले नहीं सोचा था क्या, ये सब इतना खतरनाक भी हो सकता है? ओ बेशक लेफ्ट लंग, इसीलिए चैलेंज खत्म होते ही हमारा स्पेशलाइज्ड पैरामेडिक तुम सबकी जांच करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक होगा। अरे बाप रे, मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। तो
दोस्तों हमें यहाँ आए पूरे 5 दिन हो गए हैं। हाँ, पिछले 24 घंटों से ये ब्रेन एक शब्द भी नहीं बोला है। हे ब्रेन, तुम ठीक तो हो ना? हम सबको तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं बस बहुत डिप्रेस्ड हूँ गाइस, कुछ करने का मन नहीं है, बात भी नहीं करना चाहता। 5वें दिन में आपका स्वागत है, तो ब्रेन अब हार मान लो। नहीं, भले ही मुझे डिप्रेशन हो या मैं पागल हो जाऊं, मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी बुरी हालत को डिप्रेशन का नाम मत दो। डिप्रेशन एक मेडिकल बीमारी होती है जो तब भी हो जाती है जब जीवन में सब ठीक हो, लेकिन तुम्हारे केस में ये खतरनाक हालातों के कारण हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी ये हालत हमेशा नहीं रहने वाली है? शायद इस चैलेंज की वजह से अब मैं ऐसा ही रहूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अच्छे से सो नहीं पा रहे, कोर्टिसोल लेवल हाई है, अकेलापन है, इसीलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। एक बार यहाँ से बाहर निकलते ही तुम अच्छा फील करोगे और बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। देखते हैं क्या होता है। खैर, अब मैं सोना चाहता हूँ डॉक्टर, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बाय। अरे ब्रेन, सो मत, अगर तुम सो गए तो कहीं अनहोनी ना हो जाए। कंट्रोल करो इंटेस्टाइन, याद है एक बार तुमने हफ्ते तक कंट्रोल किया था, इस वक्त मेरे साथ कोऑपरेट करो प्लीज। इस बार का मामला अलग है, दूसरे और तीसरे दिन के कारण स्टमक ने बहुत कुछ खाया है, अब मैं रुक नहीं पाऊंगा। अरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो, चॉकलेट्स को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगता है। एक बात कहूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम सबको जो करना है करो, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अरे नहीं। तुम रो क्यों रहे हो ब्रेन? बस 12 घंटों में हम इस सब से बाहर होंगे। हम तुम्हारी हालत समझ सकते हैं ब्रेन, चिंता मत करो, भले ही हम सब बेहोश क्यों ना हो जाए, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ब्रेन, तुमने सबसे बुरे हालातों का सामना कर लिया है, अब हम सबको थोड़ा सब्र रखना होगा। मैं और सब्र नहीं रख सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि मैं उदास हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि अब जब मैं सोकर उठूंगा तो मुझे फिर से जीवन दिखाई देगा, मैं सूरज और रोशनी देखूंगा, अपने दोस्तों फैमिली को, इन सब की इम्पोर्टेंस मुझे समझ आ गई है। ब्रेन, लगता नहीं मैं और रुक पाऊंगा, मुझे बहुत जोर से पोटी आई है। चिंता मत करो इंटेस्टाइन, हम है ना, हमारे नर्वस सिस्टम की मदद से हम इसे रोक पाएंगे। मैं अपनी सारी एनर्जी तुम्हारा ध्यान भटकाने में लगा दूंगा, देखना। थैंक यू ब्रेन, लेकिन जब तुम सोने जाओगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम टेंशन मत लो इंटेस्टाइन, मैं सपनों में भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, भरोसा रखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगले 15 सेकंड में या तो तुम बेहोश हो जाओगे या फिर अपने जीवन का बेहतरीन अनुभव करोगे। फाइनली दोस्तों, हम आजाद होंगे और YouTube की सबसे अच्छी वीडियो का हिस्सा होंगे, मैं मिस्टर बीस्ट से मिलूंगा। आखिरकार मैं बहुत खुश हूँ, हम अच्छे से खा पाएंगे। दोस्तों, मेरे लिए ये इमरजेंसी है। 5 सेकंड बचे हैं दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1। कैमरा हटाओ सामने से। आजादी, यस। हेलो जिमी, हमने कर दिखाया। कॉन्ग्रेट्स, आप सब बिना बेहोश हुए कामयाब हुए, लेकिन ये स्मेल कहाँ से आ रही है? उप्स, निकल गई मेरी।